नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय, बोल तुलसा मैया की जय। ये वीडियो मैं अपनी तुलसा माँ से प्रार्थना करते हुए अपने बच्चों की खुशी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि एक माँ ही माँ का दर्द जानती है, क्योंकि यदि माँ ही नहीं दर्द समझेंगी तो कौन समझेंगी। और माँ दर्द समझती हैं और प्रभु को सब कुछ कहने वाली कौन है? हमारी तुलसा माँ, क्योंकि सबसे प्रिया, सबसे प्रियतमा, सबसे निकट रहने वाली हैं तो हमारी तुलसा माँ है। प्रभु तुलसा माँ के बगैर कभी नहीं रहते हैं, उनके बगैर घर घर नहीं होता है, उनके बगैर घर शमशान होता है। इसलिए तुलसा माँ की उपस्थिति होना घर में बहुत ज़रूरी है, और तुलसा माँ को तो रखना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो उनको तो रखना पड़ेगा। यदि भगवान तक आप बात पहुंचाना चाहते हैं तो आपको अपने मन की बात अपनी माँ से कहनी पड़ेगी। और इसी के साथ माँ सबकी सुनती हैं, आपकी भी सुनेंगी। यदि आप अपने मन से सच्चे दिल से प्रभु से कहलवाओगे कि हे माँ मेरी बात ये कह देना, तो माँ अवश्य कहेंगी और माँ आपकी बात अवश्य सुनेंगी। तो इसी के उपलक्ष्य में मैं अपनी माँ से, अपने दिल से, अपने बच्चों के लिए कुछ कह रही हूँ। उसे मेरी माँ ज़रूर मेरे राघव जी तक, भोले तक, कृष्ण तक, गणेश जी तक, सब तक अवश्य पहुँचाएंगी और मेरी इस प्रार्थना को साकार बनाएंगी। क्योंकि मैं यह चाहती हूँ कि मैं जीते जी तो सब चाह ही रहे हैं कि बच्चे खुश रहें, बच्चे खुश रहें। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी माँ मुझे जिस भी लोक में रखे, पता नहीं मेरे कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं, ये मैं नहीं जानती हूँ, बिल्कुल नहीं जानती हूँ। क्योंकि अधम से अधम, अधम तीन नारी, तीन मंद गमारी। मैं तो एक अधम जात की, क्योंकि नारी सबसे अधम माना गया है, क्योंकि यह हमारी सबरी माँ ने प्रभु राम से कहा है, नारी अधम नहीं है, नारी माँ है, देवी है, देवी का दर्जा मिला है। अधम का मतलब ये नहीं है, लेकिन उनने कहा है कि स्त्री का जन्म मुझे मिला है, उसमें भी मैं इस तरह से होती। इसी तरह से माँ ने कहा है कि पता नहीं मैं कैसी थी, इसी तरह से मैं भी कह रही हूँ कि पता नहीं मेरे पुण्य कर्म है या पाप कर्म है, मैं अपना खुद अनुमान नहीं लगा सकती हूँ। लेकिन माँ से प्रार्थना करके यह वीडियो मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए, और 2020 अक्टूबर को उनका जन्मदिन है, उसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि ये मेरी दुआ माँ मेरे बच्चों तक अवश्य रखेंगी। मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरे जाने के बाद भी ये दुआ मेरे बच्चों के काम आती रहे, हमेशा मेरे बच्चे खुशहाल रहें, चिरंजीवी रहें, धनवान रहें, यशवान रहें, धार्मिक रहें, सब कुछ माँ उन्हें दिलवाना। धर्म होना बहुत ज़रूरी है समाज में, यश कीर्ति होना बहुत ज़रूरी है माँ, और दौलत पुण्य के लिए दौलत बहुत ज़रूरी है। दौलत कमाएं, उसे अच्छे कामों में लगाएं, अच्छे धर्म के काम पे चलें, धर्म की राह पे चलें, उस अपने धन का सदुपयोग करते हुए मेरे बच्चे जीवन में अपने माँ बाप का रोशन करते रहें, करते रहें, करते रहें। तो माँ मेरी दुआ मेरे प्रभु तक पहुँचाना और मेरी सुनना। नमो राघवाय। जन्मदिन हमें चाहिए, हमें चाहिए, सभी की दुआएं हमें चाहिए, हमें चाहिए। जन्मदिन हमें चाहिए, हमें चाहिए, सभी की दुआएं हमें चाहिए, हमें चाहिए।
वो दर पे वो घर पे वो गणपति खड़े गजानन खड़े आ करके हंस के ये कहने लगे, वो कहने लगे, मांगेगा मिलेगा वो मुझसे प्रभु, मिलेगा तुझे बता दो तुझे अब क्या चाहिए, ये क्या चाहिए, जन्मदिन हमें चाहिए, सभी की दुआएं हमें चाहिए, सभी की दुआएं हमें चाहिए। वो दर पे वो राघव खड़े, वो घर पे वो राघव खड़े आ करके मुझसे ये कहने लगे, वो कहने लगे, बता दो तुम्हें बहना क्या चाहिए, वो क्या चाहिए, सभी की दुआएं हमें चाहिए, हमें चाहिए। मांगेगी मिलेगा वो मुझ राम से, वो मुझ राम से, बता दो तुम्हें बिना क्या चाहिए, वो क्या चाहिए, जन्मदिन हमें चाहिए, सभी की दुआएं हमें चाहिए, हमें चाहिए। वो घर पे वो कृष्णा खड़े आ करके बंसी बजाने लगे, बजाने लगे, कहने लगे बहना क्या चाहिए, बता दो तुम्हें बहना क्या चाहिए, मुझे तो बस तुम्हारी दुआ चाहिए, दुआ चाहिए, जन्मदिन हमें चाहिए, सभी की दुआएं हमें चाहिए, हमें चाहिए। वो घर पे वो भोले खड़े आ करके डमरू बजाने लगे, बजाने लगे, बता दो तुम्हें बिना क्या चाहिए, वो क्या चाहिए, सभी की दुआएं मुझे चाहिए, जन्मदिन हमें चाहिए, हमें चाहिए, सभी की दुआएं हमें चाहिए, हमें चाहिए। वो दर पे वो विष्णु खड़े घर पे वो विष्णु खड़े आ करके मुझसे ये कहने लगे, बता दो प्रिया इन्हें क्या चाहिए, तुलसी जी से कह रहे हैं, बता दो प्रिया इन्हें क्या चाहिए, बता दो हमें तुम्हें क्या चाहिए, मुँह सर को झुका के ये कहने लगी, मैं कहने लगी, सभी की दुआएं मुझे चाहिए, जन्मदिन हमें चाहिए, सभी की दुआएं हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। नमो राघवाय, नमो राघवाय। हे तुलसी माँ, मैं आपसे बार बार प्रार्थना करती हूँ, बार बार मैं सर झुकाती हूँ, हे माँ, तुमसे अच्छे प्रभु के पास कोई नहीं रहता है, सबसे ज़्यादा आप उनके दिल के करीब हो, इसलिए यह मेरी दुआ माँ तक अवश्य पहुँचाना, मेरे बालकों को
जो आपने दिए हैं मेरी झोली में डारे हैं राघव ने, बोले बाबा ने जो प्रसाद मुझे दिया है इस पृथ्वी लोक पे, उस प्रसाद के लिए मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का हमेशा हित करना, धनवान बनाना, पुत्रवान बनाना, चिरंजीव बनाना, ऐसे उनके जीवन में इतनी खुशियाँ देना, इतनी खुशियाँ देना राघव, जो प्रसाद है उसको आपके मेरा जीवन भी धन्य हो जाए, क्योंकि बच्चे धर्म के बगैर बच्चे बच्चे नहीं हैं। ये पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भक्त जास सुत होई, पुत्रों का भक्त होना भी माँ का जन्म सार्थक है, और धन कमा के पुत्रों को वो धन धर्म में लगाना माँ का जन्म सार्थक है। इसीलिए हे माँ, बच्चों को सद्बुद्धि, कीर्ति, यश, धनवान, चिरंजीव जरूर बनवाने की मेरे राघव से प्रार्थना करना। ये माँ का आशीर्वाद है अपने बच्चों के लिए, आप भी मेरा आशीर्वाद मेरे राघव से कहना। और इस माँ के आशीर्वाद में रहूं या ना रहूं, जिस भी लोक में रहूं, जहाँ भी आप मुझे ले चलो माँ, मुझे कोई गम नहीं। मैंने जैसे कर्म किए होंगे उसी के अनुसार आप मुझे वही समय, उसी वक्त, उसी जगह लेके जाओगी। आप आदमी के कर्म ही चलते हैं कर्म के अनुसार, लेकिन प्रभु जब बच्चे अच्छी राह पे चलते हैं तो माँ बाप का उन्हें जन्म देना धन्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय, बोल तुलसा मैया की जय।